गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर क्लास 12th ए. स्टूडेंट्स, एज यू नो इट वेरी वेल, अवर नरेशन इज रनिंग. इन नरेशन आई हैव टॉट यू सिंपल सेंटेंस, इंट्रोवर्टिव सेंटेंसेज, एंड देन आफ्टर नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंपरेटिव सेंटेंस. Today is my period number 11 and 12. So I will review some clues about your interrogative sentences. In interrogative sentences, दो प्रकार से बनते हैं. नंबर एक में रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है और दूसरे में रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होती है. जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, उस यदि रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो इफ या वेदर कॉन्जंक्शन का यूज करते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होती है तो क्वेश्चन वर्ड को ही एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं. और यदि रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब में उसको हटा के कॉमन वर्ड कॉमास हटाकर इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं. और मैंने आपको दिया क्वेश्चन वो घर के करने के लिए कुछ सेंटेंस भी दिए थे और आप लोग लिखे होंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई इम्परेटिव सेंटेंस. बच्चों, आप लोग सब जानते हो कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या पहचान होती है. आपको पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर है, फॉरबिड है, एडवाइज्ड है, आस्क्ड है, और ये रिक्वेस्टेड है, ये सब चीज़ों का प्रयोग होता है. आपको अच्छे से पता है कि ऐसा हम कब करते हैं. अब आप आइए, आपको एग्जांपल से बताने जा रहे हैं. रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को किसमें चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, एडवाइज्ड और कमांडेड, रिक्वेस्टेड, इन सब में चेंज करते हैं. कब चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार. तो आइए बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, एडवाइज आदि में चेंज करती हैं. तो बच्चों, आपको ये पता हो गया होगा. अब आइए हम आपको इसको इरेज करके आपको आगे एग्जांपल देने जा रहे हैं और आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा. बच्चों देखिए, सबसे पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब से शुरू होता है. इसमें
हमारे इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते हैं। ना तो इनमें सब्जेक्ट मिलेगी, ना इनमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ये स्टार्टिंग इनकी हमेशा मेन वर्ब से होती है। रिपोर्टिंग वर्ब से क्लास टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। अब इसमें क्या है, सिट डाउन एंड डू योर वर्क। टीचर के कहने का भाव क्या है, ऑर्डर देना है। तो क्या करोगे, टीचर ऑर्डर कॉमा इनवर्टेड कॉमास रखकर देयर कंडीशन का प्रयोग, टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन एंड डू योर वर्क। यहाँ पर रोल है सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पर थर्ड पर्सन का मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंड डू दियर वर्क, THEIR एंड डू दियर वर्क। यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग दिया हो जाएगा डियर वर्क। सेकेंड है माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, सेट टू मी, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा प्लीज डू मी वाटर, कृपया मुझे पानी दो। अब छोटा भाई बड़े से कह रहा तो रिक्वेस्ट होगी, माई यंगर ब्रदर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम वाटर। क्लियर, ये बच्चों आप लोग नोट करिए। इसके बाद आप देखिए आपका किसका किसका हो गया, रिक्वेस्टेड का हो गया, ऑर्डर का हो गया। अब हम आपको एडवाइज और फॉरवर्ड का बता दिला रहे हैं। हाँ बच्चे देखिए, ये हमारा इंप्लीमेंटरी सेंटेंस के अंतर्गत ये एडवाइस और फॉरवर्ड का बना है, ये एडवाइस का, ये फॉरवर्ड का। बच्चे जब हम एडवाइस का यूज करते हैं तो एडवाइस के साथ हम नॉट का यूज जरूर करते हैं। ऑर्डर हुआ, एडवाइस हुआ, इन सब के साथ नॉट अगर लगा है सेंटेंस में तो नॉट का यूज करते हैं। लेकिन यदि फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो फॉरवर्ड के साथ नॉट यूज नहीं होता। अगर आप फॉरवर्ड लगाते हैं तो नॉट का यूज नहीं होगा। तो जैसे आपका ये सेंटेंस है, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने रोगी से कहा, क्या कहा, डोंट ईट टू मच, बहुत अधिक मत खाओ। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने एडवाइज दी पेशेंट को, नॉट ईट टू मच, बहुत अधिक ना खाने के लिए एडवाइस लगाया है, इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया है। जब फॉरवर्ड का यूज किया, डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट को टू ईट टू मच, तो यहाँ पर नॉट का यूज होगा। अब आपका देखिए, अब आपका ऑर्डर, अब बच्चों कुछ थोड़े देर देखिए, आपका आज इंप्लीमेंटरी सेंटेंस मैंने खत्म कर दिया। इसी में आज का भी यूज होता है, ठीक है बच्चे, इसी में आज का भी यूज होता है। लेकिन आज का यूज कहाँ पर होता है, वैसे तो इंट्रोगेटिव में भी आज का यूज होता है, लेकिन हमारा इंट्रोगेटिव का आज का यूज तब होता है जब मेरी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट नहीं होगी, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम बराबर के समभाव वाले हैं और आपस में जैसे दो सहेलियाँ हैं, दो फ्रेंड्स हैं, आपस में कोई चीज़ मांगते हैं तो भले ही वो रिक्वेस्ट का भाव करेंगे बट उसमें आपका आज का यूज होगा। तो क्लियर हो गया बच्चों, अब आप लोग
और बच्चों आज के टॉपिक में हमारा इतना ही था इम्परेटिव सेंटेंस, और कल हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस लेट वाले समझाएंगे, क्योंकि इसके बाद कल लेट वाले समझाएंगे और लेट वाले के बाद हम आपको ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव समझाएंगे। ऑपरेटिव हैं, एक्सक्लेमेटिव हैं, ये आपको समझाएंगे। तो आज आपका लेट वाला कल समझा देंगे और उसके बाद आज आपका इम्परेटिव ऐसे ओके होता है। तो आइए चार पाँच आइए कुछ सेंटेंस मैं बोल रहे हैं जो होम जो घर में आपको करने हैं होमवर्क के लिए, तो आप राइट डाउन करिए सेंटेंसों को। देखिए, द लीडर सेड टू द पीपल, द लीडर सेड टू द पीपल, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमास बिगेन, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमास बिगेन, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, फुल स्टॉप, आई एम रियली वेरी लेट, आई एम रियली वेरी लेट, आगे लिखिए, द केमिस्ट सेड टू द पेशेंट, सेकेंड नंबर सेंटेंस है, द केमिस्ट सेड टू द पेशेंट, सेड टू द पेशेंट, प्लीज वेट, प्लीज वेट टिल इवनिंग, प्लीज वेट टिल इवनिंग, एज दिस मेडिसिन इज आउट ऑफ स्टॉक, एज दिस मेडिसिन इज आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। इसके बाद नोट करिए एक सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमास बिगिन, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, आगे लिखे, ऑल पीपल से, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमास बिगिन, ऑल पीपल से, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमास बिगिन, respect your elders and obey your parents and teachers, obey your parents and teachers, आगे लिख लीजिए, doctor said to the patient, don't eat, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमास बिगन, डोंट ईट ऑयली फूड्स, डोंट ईट ऑयली फूड्स, बच्चे एक सब्जेक्ट एक और बता रहे हैं, डोंट ईट ऑयली फूड्स,